बात जब स्टाइल की आती है तो मुझे लगता है योर स्मार्टफोन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सेसरीज टू ऐड टू योर फैशन स्टेटमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि ओप्पो बहुत ज्यादा ही ख्याल रखता है इस बात का। द ऑल न्यू ओप्पो रेनो 6 प्रो एक यूनिक लुक के साथ आता है एंड दैट्स अ टेस्टिमनी। बट क्या सिर्फ लुक्स ही बहुत बढ़िया है या फिर कुछ और भी ऐसा है जो कि ओप्पो रेनो 6 प्रो को एक फ्लैगशिप किलर बनाता है अंडर द प्राइस टैग ऑफ ₹40,000। आई एम श्योर आप सबके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे अबाउट द न्यू लॉन्च ऑफ ओप्पो रेनो 6 प्रो। सो डोंट वरी, यहाँ पर हम लेके आए हैं 25 ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमसे कमेंट्स में या हमारे कम्युनिटी पेज पर पूछे जा रहे थे। सो आज की 25 FAQs विद रेनो 6 प्रो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाय गाइस, दिस इज अखिल, यू वॉचिंग कैशिफाई। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ओप्पो रेनो 6 प्रो कम्स विद डैजलिंग लुक्स एंड आई थिंक यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अगर मैं बात करूं फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको ग्लास फिनिश ही देखने को मिलती है, और अगर यहाँ पे बात करें बैक साइड की तो यहाँ पर आपको मिलता है AG मैट फिनिश एंटी ग्लेयर ग्लास पैनल जो कि एक काफी कमाल का लुक देता है इसे एंड एक्चुअली में बहुत अच्छा है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आते और ये मुझे बहुत पसंद आया। बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बिल्ट की तो ये एक सॉलिड प्लास्टिक बिल्ट ही है, प्लस देर आर नो एंटीना बैंड्स ऑन द साइड एजेस जो कि प्रूव करते हैं कि ये एक मेटल फ्रेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज नो मेंशन ऑफ एनी IP रेटिंग इन द ओप्पो रेनो 6 प्रो जो कि मुझे काफी शॉकिंग लगा कंसिडरिंग द हेफ्टी प्राइसिंग ऑफ रेनो 6 प्रो। यहाँ पे अराउंड 40,000 में आपको रेनो 6 प्रो मिल रहा है पर फिर भी कोई भी IP रेटिंग नहीं है, नॉट इवन IP 53। Why? ऐसा क्यों? बट हाँ, यहाँ पर आपको सिम ट्रे पर रबर गैस्केट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है जो कि हल्की फुल्की स्प्लैशेस से तो बचा ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओप्पो रेनो 6 प्रो और रियलमी X7 मैक्स दोनों ही आते हैं MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट के साथ। यहाँ पे इनका दोनों का अंतुतु टेस्ट करके देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या रहते हैं। दोनों में सेम प्रोसेसर होने के बावजूद यहाँ पे अंतुतु स्कोर में मुझे काफी डिफरेंस देखने को मिला। जहाँ पे ओप्पो रेनो 6 प्रो का अंतुतु स्कोर अराउंड 6 लाख के आसपास आता है, वहीं रियलमी X7 मैक्स सेम Dimensity 1200 चिपसेट के साथ ये बाजी जीत जाता है with a score of 6,76,000. So I think अब आप easily judge कर ही पा रहे होंगे कि दोनों में से कौन सा better performance offer करता है। Moving to the next question, यहाँ पर Oppo Reno 6 Pro में मुझे कहीं पर भी 3.5mm headphone jack का option तो नहीं मिलता है, but एक खास बात ये कि आपको in the box USB Type-C earphones देखने को मिल जाते हैं, जो कि आजकल काफी rare है। I really appreciate that. Next question. Yes, Oppo Reno 6 Pro का 3D curved OLED डिस्प्ले आता है Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, Oppo Reno 6 Pro comes with a stunning 3D curved OLED डिस्प्ले जहां पर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 800 nits की, और अगर मैं बात करूं यहां पर HDR10+ तो उसका भी सपोर्ट यहां पर मिल जाता है। बट लेट सी कि क्या यहां पे कोई 8K वीडियो प्ले कर सकते हैं या नहीं। यहां पर YouTube पर एक 8K अल्ट्रा HD वीडियो प्ले कर देखते हैं कि क्या रेजोल्यूशन अवेलेबल है। यहां पे आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ 4K 2160p रेजोल्यूशन ही अवेलेबल है, 8K का ऑप्शन नहीं है रेनो 6 प्रो के डिस्प्ले के साथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर Oppo Reno 6 Pro में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इन डिस्प्ले ही दिया गया है, नॉट ऑन द पावर बटन, एंड कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है स्पेशली ऑन एन OLED डिस्प्ले। मुझे ये काफी पसंद आया एंड काफी क्विक एंड रिलायबल भी है ये। बट एक चीज जो मुझे खराब लगी वो ये थी कि वेट हैंड्स या ऑयली हैंड से आप ये फिंगरप्रिंट सेंसर यूज नहीं कर पाएंगे, तो Oppo Reno 6 Pro वेट फिंगर्स से बिल्कुल अनलॉक नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यार इवन दो यहाँ पर रेनो 6 प्रो में आपको ग्लास फिनिश बैक साइड मिल जाती है, बट स्टिल कोई यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता। आई थिंक प्राइस के हिसाब से 40,000 में वायरलेस चार्जिंग दी जा सकती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ ओप्पो रेनो 6 प्रो में स्टीरियो स्पीकर्स मिसिंग रहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है जो कि सिर्फ डिसेंट ही ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करता है। आज की डेट में यू कैन फाइंड स्टीरियो स्पीकर्स इवन इन दोस फोन्स जो कि 20,000 रुपए से भी कम के प्राइस पर आते हैं। सो नॉट टू हैव देम इन अ फोन एट दिस प्राइस लेवल इज अ बिग मिस इन माई ओपिनियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओप्पो रेनो 6 प्रो कम्स विद सर्टिफिकेशन ऑफ डॉल्बी एटमोस फॉर एन अमेजिंग 360 डिग्री सराउंड साउंड एक्सपीरियंस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने ओप्पो रेनो 6 प्रो में पिछले 3-4 दिन से काफी सारी गेम्स खेल के देखी हैं एंड मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट हीट इश्यूज हैं। सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड पार्ट। सो अगर आप एक गेमिंग लवर हैं और Dimensity 1200 चिपसेट का अच्छे से यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको हीटिंग इश्यूज नहीं होंगे। इवन दो रेनो 6 प्रो एक हैवी गेमिंग फोन नहीं है बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ओप्पो ने काफी बढ़िया हीट डिसिपेशन किया है यहाँ पर ताकि आप जब भी हैवी गेम्स खेलें तो आपको ऐसा फील ना हो कि फोन हीट अप हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगर आपके मन में ये आया कि क्या कोई कूलिंग सिस्टम है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। ओप्पो रेनो 6 प्रो में कोई डेडिकेटेड लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता बट स्टिल यहाँ पर फोन का हीट डिसिपेशन सिस्टम काफी अच्छा है एंड बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट हीट इश्यूज यहाँ पर नहीं देखने को मिलते रेनो 6 प्रो में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर रेनो 6 प्रो में आपको COD मोबाइल में वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है बट अगर आपको मैक्स फ्रेम रेट पर गेम खेलना है तो आपको यहाँ पर हाई ग्राफिक सेटिंग पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि BGMI ग्राफिक सेटिंग्स क्या है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि HDR ग्राफिक्स के साथ आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है BGMI में रेनो 6 प्रो में। अभी यहाँ पर अल्ट्रा HD वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बट बहुत जल्दी आ जाएगा इस डिवाइस में भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओप्पो रेनो 6 प्रो आता है 12GB ऑफ LPDDR4X RAM टाइप के साथ और यहाँ पर आपको UFS 2.1 का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अभी CPDT टेस्ट करके देख लेते हैं कि स्टोरेज स्पीड्स कैसी रहती है रीड एंड राइट के टाइम पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगर आप यहाँ पे हैवी ऐप यूजेज करने वाले हैं, मल्टीटास्किंग करने वाले हैं रेनो 6 प्रो में, तो उसके लिए ओप्पो आपको देता है रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी का फीचर यहाँ पे रेनो 6 प्रो के साथ। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये किसी ओप्पो फोन में देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे आप अप टू 7GB ऑफ रैम एक्सपैंड कर सकते हो। सो यहाँ पे 3GB, 5GB एंड 7GB का ऑप्शन आपको मिल जाता है जिससे कि आप इसकी 12GB रैम को वर्चुअली अप टू 19GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। सो जो ये एक्स्ट्रा रैम है ये इंटरनल स्टोरेज से ली जाती है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल रैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओप्पो रेनो 6 प्रो आता है यहाँ पे कलर OS 11.3 के साथ जहां पर आपको डुअल एप्स और से ऐप क्लोनिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आप दो इंस्टाग्राम अकाउंट्स, दो ट्विटर अकाउंट्स, दो व्हाट्सएप अकाउंट्स एक साथ चला सकते हो रेनो 6 प्रो में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ओप्पो रेनो 6 प्रो में जो कलर OS 11.3 आता है इट इज लोडेड विद यूनिक फीचर्स। यहाँ पे जो सबसे पहला फीचर है मुझे बहुत पसंद आया वो है फ्री फॉर्म स्क्रीनशॉट। इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कितना पार्ट रखना है उस स्क्रीनशॉट का जो कि आपके काम आएगा। तो यहाँ पे आप क्लाउड फॉर्म में या कुछ भी आपको फिजिकली आप फ्री फॉर्म में उस स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकते हो ऑन द गो। यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है AOD पोर्ट्रेट सिलोते जिसका मतलब ये है कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर पर अपनी पोर्ट्रेट फोटोज को यूज कर सकते हो। सो ये भी एक कमाल का एक्सपीरियंस ऑफर करता है। ऐसे ही कुछ और बढ़िया और यूनिक फीचर्स मिलते हैं आपको कलर OS 11.3 में जैसे कि क्विक सेटअप फीचर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन ऐप ओनली। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कलर OS यहाँ पे यूनिक फीचर्स से टोटली फिल्ड है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे रेनो 6 प्रो में आपको 11 सब 6 GHz 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें से मेजरली आपको यहाँ पे मिलता है N77 और N78 बैंड जो कि मोस्ट लाइकली इंडिया में आने ही वाला है। उसके साथ यहाँ पे आपको N40 एंड N41 भी मिल जाता है। साथ ही में
1, 3, 5, 7, 8, 28 and 38 sub 6 gigahertz 5G bands भी मिल जाते हैं. Now the next question. Yes, यहाँ पे Reno 6 Pro में आपको 4G plus carrier aggregation का support देखने को मिल जाता है. एंड मुझे एक चीज बहुत पसंद आई कि इवन इंडोर्स के टाइम पर भी आपको 4G प्लस का साइन मिलता है, जो कि इतना यूजुअल नहीं है बाकी स्मार्टफोन्स में. अगर मैं एक और चीज की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 4 टाइप ऑफ कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिला व्हेन आई वाज इन वेरी गुड सिग्नल स्ट्रेंथ आउटडोर्स. सो ये भी काफी अच्छा है. यहाँ पे डेटा स्पीड बहुत जबरदस्त आने वाली है. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. I'll be very honest, यहाँ पे Reno 6 Pro आता है X-axis linear motor के साथ, तो मुझे यहाँ पर haptic feedback काफी ज़्यादा responsive लगा और बहुत मज़ा आ गया. यहाँ पे typing experience and यहाँ पे जो gaming experience था वो कमाल का था. I would not hesitate to say कि यहाँ पर जो haptic feedback था, it was as good as any OnePlus smartphone or a Pixel smartphone. तो ये काफी अच्छी बात है. अब देखते हैं अगला question. Oppo Reno 6 Pro आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जहां पर आपको एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस देखने को मिल जाता है. बट ये 108 मेगापिक्सल कहां से आया? यहां पर आपको कैमरा ऐप में 108 मेगापिक्सल का एक स्पेशल कैमरा मोड देखने को मिल जाता है, जिससे आप Reno 6 Pro के रियर कैमरा से सुपर रेजोल्यूशन इमेजेस क्लिक कर सकते हैं. आप यहाँ पे एक कैमरा सैंपल देख ही सकते हैं. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. नो, Oppo Reno 6 Pro में आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता. एंड आई थिंक कमिंग दैट फ्रॉम अ कैमरा सेंट्रिक फोन, ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुआ. यहाँ पे आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ही लिमिटेड सपोर्ट देखने को मिलता है. And here's a video sample for you from 4K 30 FPS Reno 6 Pro camera. अब देखते हैं अगला question. Oppo Reno 6 Pro में कमाल का feature दिया गया है, जिसका नाम है bokeh flare portrait mode. अब यहाँ पर आप इस portrait mode से videos भी click कर सकते हैं on both the cameras, front as well as rear cameras. अब इस mode को use करने के बाद एक जबरदस्त bokeh effect आता है background में. यहाँ पे मैं आपको लाइव साइड बाय साइड एग्जांपल दिखाई देता हूँ. Hi guys, you watching Cashify and this is a camera sample clip from Oppo Reno 6 Pro in bokeh flare portrait mode. How do you like it? Let us know in the comments below. Now the next question. यहाँ पर Oppo Reno 6 Pro के कैमरा में आपको सिर्फ EIS स्टेबलाइजेशन ही देखने को मिलती है. मुझे काफी पसंद आता यहाँ पर अगर OIS सपोर्ट भी दे दिया होता, बट ऐसा नहीं है. सो यहाँ पर आप अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन कर सकते हैं वीडियो शूट करने वक्त, जिससे कि EIS स्टेबलाइजेशन ऑन हो जाती है. सो गाइस, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. Oppo Reno 6 Pro से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स थे, आई एम वेरी श्योर अब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो ही गए होंगे. बट अगर अभी भी कुछ ऐसा है जो Reno 6 Pro से रिलेटेड मैं बताना भूल गया या मैंने स्किप कर दिया, तो आप नीचे हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. #AskCashify करके हम आपके सारे क्वेश्चंस का इंस्टेंटली आंसर करेंगे. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन. आपको Reno 6 Pro कैसा लगा? क्या इसका प्राइस एट 40,000 जस्टिफाइड है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें. और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. अगर आप Reno 6 Pro या कोई भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यू कैन बाय इट. ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स अपग्रेड करते रहना चाहिए, बट अपना पुराना फोन बेचें आप Cashify पे, क्योंकि Cashify आपको देगा घर बैठे आपके पुराने फोन की एकदम बेस्ट वैल्यू. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग Cashify.